आई वेलकम यू टू द इंग्लिश वर्ड्स। शायद वह अपने घर, शायद वह अपने घर पे हो सकता है, शायद आज वर्षा हो सकती है। क्या मैं फल खा सकता हूँ? इस तरह के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आज मैं ही आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते दोस्तों यह आज की वीडियो बिना देर के। दोस्तों मैं को जो है तीन तरह से अपन यूज कर सकते हैं। पहला तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए है, संभावना दिखाने के लिए है। दूसरा परमिशन के लिए, अनुमति लेने या फिर देने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। या फिर ब्लेस यानी आशीर्वाद के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है, जब हम अपनी इच्छा से किसी को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों देखते हैं इसको स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से इसका हम जो है आम बोलचाल में या फिर डेली रूटीन के सेंटेंस बोल पाएंगे। सब्जेक्ट, फिर लिखना है आपको मैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि आपको परमिशन लेना है तो परमिशन के लिए सबसे पहले आपको मैं का उपयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। यदि ब्लेस के लिए आप इसको दिखाएंगे तो ब्लेस के लिए आपको सबसे पहले लिखना है मैं, फिर सब्जेक्ट, बर्फ का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको उपयोग करेंगे। तो देख, शायद वह अपने घर पे हो सकता है। ही मे बी एट हिज होम। शायद आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टूडे। शायद तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। यू मे लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। अब तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ। क्या मैं फल खा सकता हूँ? मे आई ईट फूड। भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हारी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू। तुम अपनी जिंदगी में फलो फूलो। मे यू प्रोस्पर इन योर लाइफ। इस तरह से दोस्तों मैं का उपयोग हम करेंगे।